Hi friends, myself Anup and she is Sudha. Yes, hi friends. And she is going to CRT की क्लासेस लेंगे और आपके फ्यू टिप्स देंगे जो की होंगे आपके बड़ी बेनिफिशियल होंगी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपको मेरा मैक्सिमम फोकस रहेगा वो रहेगा जस्ट जो आपकी 10th की जो प्रिपरेशन जो बोर्ड क्लासेस जैसे आपकी 10th हो गई, आपकी 8th है, एनसीईआरटी सिलेबस और थोड़ा सीबीएसई पार्ट भी हम करेंगे। साथ में ही हम कुछ शॉर्टकट टिप्स करेंगे जो कि स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और जो वो स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि SSC जो भी करते हैं, बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए मैक्सिमम यही रहता है कि उनका जो सब्ट्रैक्शन है, उनका मल्टीप्लिकेशन है, उनके स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स होते हैं, वो ईजिली उनको फाइंड आउट कर सके और वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पता ही है कि वहाँ पर बहुत कम टाइम मिलता है। तो हम मैक्सिमम फोकस रहेगा कि हम उनको इजी गोइंग और शॉर्टकट जो भी हम सिखाएंगे उनको वो काफ़ी फास्ट तरीके से वो कर सके। बाकी क्लासेस की जो टॉपिक्स हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो सॉल्व कर सकें। ओके देन फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब इन आवर चैनल एंड थैंक यू अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक यू सुधा मैम, फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको सॉल्व करनी होती है ना, जब तो आपको कुछ फटाफट ट्रिक्स चाहिए होती हैं, फास्ट ट्रिक्स चाहिए होती है जिससे कि आप उनको एकदम से सॉल्व कर सकें। तो उसको सॉल्व करने के लिए आज मैं कुछ ट्रिक्स लाई हूँ जो कि स्क्वायर रूट पे हैं। ये ट्रिक्स आपको लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्क्वायर रूट याद करने होंगे जो कि आपके हैं 11 से लेकर 31 तक। वैसे 1 से लेकर 31 तक भी है पर 1 से 10 तक बड़े ईजी होते हैं। जो हमारे को स्पेशली लर्न करने होते हैं वो 11 से लेकर 31 तक लर्न करने होते हैं। और इनको लर्न करने की ट्रिक्स ऐसी हैं, आपको हर रोज़ अपने शेड्यूल से 10 या 12 मिनट्स या हाफ आवर रख लो, एक आधा घंटा निकाल लो, उसमें आप इनको रिवाइज़ करो बार बार। आपको विदिन वन वीक आपको ये लर्न हो जाएंगे। अगर आप फिर भी इनको भूल रहे हैं तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर लास्ट प्लेस है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 है। अब अगर आपको उसका 1 का डबल होता है 1 का डबल 1 होता है, तो जैसे आप लर्न करने लगोगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें 2 पेयर बन रहे हैं, या तो 61 बन रहा है या फिर 1 यहाँ पे बन रहा है 1 बन रहा है। तो आपको याद करके लगता है कि 11 जो है वो छोटी टर्म है तो 121 आएगा, और जैसे कि अगर 19 है तो यहाँ पे 361 आएगा, और जैसे आप 4 4 करें तो 4 4 16 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 लास्ट में 6 हैं, तो आप इसमें भी आपको 2 6 के पेयर बन रहे हैं, तो छोटे वाला आपका 14 का है, बड़े वाला आपके पास 16 का है। ऐसे करते करते आप जब इनको रोज शेड्यूल में आप इसको याद करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसके बाद के जो आपको स्क्वायर रूट हैं वो आज मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से सिखाऊंगी कि उनको कैसे आप टाइम से जल्दी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे आप इसके बाद 31 देख रहे हैं, आप यहाँ पे 31 के बाद 32 से लेकर 99 तक आप कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए 32 से लेकर 99, यहाँ पे जब भी आपको ये आंसर निकालेंगे तो वो 4 डिजिट में आएगा। 31 तक ये 3 डिजिट में रहते हैं स्क्वायर रूट, उसके बाद के 4 डिजिट में आते हैं। तो देखना 4 डिजिट इस तरह से 4 प्लेस रखेंगे आप। तो पहले हम लेते हैं जैसे 48 लेते हैं, 38 का स्क्वायर करना है। ये वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग होगा पर आपको समझ आ जाएगा, फिर अगले मेथड में हम थोड़ा और शॉर्ट टाइम लेंगे। 38 को आपने 2 टाइम लिखना है, 38 38। डबल कर दीजिए, 8 8 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 8 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 24 2 ज़ा होते हैं 48। तो आपने 48 यहाँ लिखना है। अब आपने इसको ऐड कर देना है, 4 14 14 1। सो आपको इसका स्क्वायर रूट मिल गया। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 62 हमने लिया, 62 का स्क्वायर रूट। 62 को सॉल्व करने के लिए अब मैं वो वाले मेथड से थोड़ा शॉर्ट करूँगी। 62 2 2 ज़ा होते हैं 4। आपने 4 को लिखने के लिए सिंपल 4 नहीं लिखना है, आपने 04 लिखना है, क्योंकि हमारे को 2 प्लेस में आपको 4 6 टोटल करने के लिए आपको यहाँ पर 04 लेना है। 6 6 ज़ा होते हैं 36, ठीक है। अब आपने 6 2 ज़ा होते हैं 12। आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 ज़ा होते हैं 12। 12 का डबल होता है 24, 24 को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, 4 483 ये आपका रिजल्ट आया 3844। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 54 का स्क्वायर रूट, 54 का स्क्वायर रूट, जिसमें कि आपने सबसे पहले लिखना है 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब आपने 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 6 1 9 2 13 को सॉल्व करके देखते हैं 113। देखो यहाँ पे 113 का स्क्वायर रूट, आपके पास यहाँ पे ये दो प्लेस 13 और 13 का डबल होता है 26, तो आपने लिखना है यहाँ पे 126। ये 13 का डबल हो गया 13 2 जा 126, 13 का डबल होता है 26, तो 126 लिखेंगे। उसके बाद 13 का आप स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो आपने यहाँ पे 169 राइट डाउन करना है। उसके बाद लाइन देनी, क्योंकि 13 में ना आपको यहाँ पे इसके नीचे 6 को यहाँ लेना है, क्योंकि आपको इसके 1 2 3 4 5 ही प्लेसेस बनाने हैं, आपको सिर्फ 5 प्लेसेस बनाने हैं, इसलिए आपने 9 6 7 2 1 ये आपका इसका स्क्वायर रूट है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 118 लेते हैं, 118 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 118 में आपके पास है लास्ट का प्लेस है आपके पास 18, 18 का डबल होता है 36, तो आपने यहाँ पे 136 लिखना है। उसके बाद 18 का अगेन आपने स्क्वायर करना है, 18 जा होते हैं आपके पास 324, 4 2 9 3 1। ठीक है, इस तरह से हमने सीखा कि 101 से लेकर 125 तक कैसे आप शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी कमेंट, प्लीज़ आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हम और भी ज़्यादा अच्छी और आसान और ईजिली सॉल्व करने वाले ट्रिक्स देंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।